मिलाधिकारी और स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के बीच वार्ता विफल, लेकिन संवाद जारी। संतों को समस्या के समाधान की आशा। हाँ, प्रदेश सरकार के मंत्री जी का टेलीफोन आया था कि क्या हुआ इस संबंध में। हमने कुछ निर्देश दिए थे यहाँ के अधिकारियों के, और यहाँ के जो मेला अधिकारी हैं मणिप्रसाद मिश्र जी, वो भी कल पूज्यपाल शंकराचार्य जी महाराज के दर्शन के लिए आए थे। उनकी चर्चा हुई है और उन्होंने ये कहा है कि हम और इस पर विचार करके फिर आपके पास आएंगे। तो विचार कर रहे हैं, तो जब तक विचार चल रहा है, जब तक संवाद चल रहा है, तो सकारात्मक ही माना जाएगा, आशा तो बनी रहती है। महाराज जी, स्वरूपानंद जी के मध्य प्रदेश जाने की बात आई थी, क्या उनका कार्यक्रम इस मसले के कारण से थोड़ा सा इलाहाबाद के लिए? इस मसले के कारण तो नहीं, ट्रेन की टिकट के कारण उनका आज का प्रवास स्थगित हुआ है। वो बम्बई मेल से उनको जाना है और जितनी अपेक्षित सीटें उनको शायिकाएं चाहिए थी वो नहीं कल आज के लिए मिल पाई हैं, तो आज का कार्यक्रम उनका टल गया है। तो फिलहाल स्वरूपानंद जी आज इलाहाबाद में रहेंगे क्या? हाँ, आज 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 वो स्वाभाविक रूप से मनोकामेश्वर मंदिर जो प्रयाग में है वहाँ पर विराजे हैं, और अगली टिकट जब हो जाएगी तभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मेला प्रशासन आता है तो कुछ वार्ता हो सकती है? मेला प्रशासन के लिए और वैसे सबके लिए गुरु जी का दरबार तो खुला ही रहता है, जब भी कोई आएगा तो जरूर वार्ता होगी। तो क्या चतुष्पद शंकराचार्य की बात को कुछ स्वीकार कर रहा है मेला प्रशासन? अब अभी तो उन्होंने कहा है कि हम और विचार करते हैं, तो और विचार में वो क्या विचार कर रहे हैं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब विचार कर रहे हैं तो जरूर करेंगे, क्योंकि महाराज श्री ने यह कहा था कि चारों शंकराचार्यों ने मिलकर के एक प्रस्ताव दिया है। मेला अधिकारी हो आप, ठीक है, आप मेले के संचालन के लिए नियुक्त हो, लेकिन चारों शंकराचार्यों के प्रस्ताव का भी एक महात्म्य होता है, एक महत्व होता है, तो आप उसको इस तरह से रिजेक्ट, खारिज ये शब्द उनके लिए नहीं कह सकते आप। तो उन्होंने कहा कि जी जरूर हम इस पर विचार करके फिर आपके पास आएंगे। तो मतलब महाराज जी कल नाराज हो गए जिस तरीके से मेला प्रशासन का रवैया था? नाराज का मतलब ये है कि जैसे अब कोई अधिकारी आता है, ऐसे तो कोई भी आए तो सबका स्वागत आगत का होता ही है, लेकिन जब मेला अधिकारी आता है और ये कह करके कि हम संदर्भित विषय में चर्चा करने आ रहे हैं, तो इतने दिनों के बाद, इतनी सब बातें बढ़ जाने के बाद, जब वो आता है और खाली हाथ आता है कि नहीं हम तो यही कहेंगे कि आप रहिए और परिस्थितियां जो हैं वही रहेंगी, तो फिर कहना ही पड़ता है। तो महाराज श्री ने कहा भाई जब आप कुछ बात लेकर के ही नहीं आए हैं, कोई बात आप उस पर चला ही नहीं रहे हैं, जो बातें आपकी पहले थी वही लगातार बनी हुई हैं और आज भी वही हैं, तो फिर आप हमसे मिल करके क्या चाहते हैं और कैसे ये हो सकता है कि हम आपके अनुरोध को स्वीकार कर लें? अब मामला कहाँ का फंसा हुआ है, क्या मेला प्रशासन कुछ आपकी बात को स्वीकार कर रहा है कि नहीं? अब मेला प्रशासन जब तक स्वीकार ना कर ले कोई बात, तब तक हम कैसे कहें कि क्या स्वीकार कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अड़ंगा किस बिंदु पर है खासतौर से? अड़ंगा इस बिंदु पर है कि शंकराचार्य चतुष्पद ये नई अवधारणा है, इसको स्थापित किया जाना चाहिए कि नहीं।